प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्कार, जय माँ कालिका। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं और किसी काम में एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं ताकि लाइफ को अच्छे से बिता सके, इसके लिए लास्ट तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। हिमालय पर्वत के एक साधुओं के समूह को सिवाना नाम से जाना जाता है। सिवाना सिस्टम के सात सिद्धांत हैं। उनमें से एक सिद्धांत अनुशासन का है, जिसके जरिए हम अपने एम्स को, अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। लेकिन जीवन में अनुशासन रखना इतना आसान नहीं है। इसके लिए योगी रमन कहते हैं कि हफ्ते में एक बार मौन व्रत धारण करें। ऐसा बार बार करते रहने से हमारा अपने मन पर काबू पाना आसान हो जाता है। हम सीख जाते हैं अपने मन पर काबू पाना, अधिक अनुशासित तरीके से हम सोचने लगते हैं। सिवाना सिस्टम के अनुसार हमें समय की रिस्पेक्ट करने चाहिए। हालांकि सिवाना के साधु समाज से बहुत दूर घने जंगलों में रहते थे, लेकिन फिर भी वो समय की बहुत कदर करते थे। अपना हर काम समय के अनुसार करते थे। उनका मानना था कि समय पर काबू पाने का मतलब है अपनी जिंदगी पर काबू पाना। वो सभी घड़ी की सुइयों को इस बात का सूचक मानते थे कि एक दिन सभी ने मरना है, और वो मानते थे कि हर व्यक्ति को अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहिए, अपने समय का सही प्रयोग करना चाहिए, सोच समझकर अपने समय को बिताना चाहिए। रात को जब भी आप सोने जाएं तो अगले दिन की प्लानिंग को 15 मिनट का समय जरूर दीजिए। हफ्ते में एक बार एक घंटे का समय निकालकर पूरे हफ्ते के कामों का हिसाब किताब जरूर रखिए। अपने समय के साथ थोड़ा सा हार्ड हमें होना पड़ता है ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो। अपना हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे जिंदगी का आखिरी दिन है। योगी रमन ने 21 का मैजिक रूल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि अगर कोई इंसान लगातार 21 दिन तक किसी काम को करता है तो वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। हमारे जो मन के विचार होते हैं वो ही हमारे जीवन के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशियां और शांति चाहते हैं तो अपने दिमाग को बहुत एनर्जेटिक रखिए, शांत विचारों से भरिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपके आसपास का माहौल वैसा ही हो जाएगा। अपने विचारों को वश में रखने की कला सीखिए। सबसे पहले अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखिए। सिवाना सिस्टम के अकॉर्डिंग एक रूल है, द हार्ट ऑफ रोज। इस टेक्निक में शांत वातावरण और एक गुलाब यानी रोज, आपको रोज चाहिए। अब आपको करना क्या है, उस गुलाब के बीच में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। कोशिश कीजिए उस फूल की सुंदरता के बारे में सोचने, उसकी खुशबू, उसकी बनावट। शुरू में आपको ये बड़ा मुश्किल लगेगा, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, लेकिन जब आप रोज ऐसा करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका मन आपके काबू में आ गया है। अब आपने इसे महारत हासिल कर ली है। अब आप अपने विचारों और सोच पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। जब हमारा मन हमारे काबू में होता है, हम अपने कौन से विचार उसमें रखने हैं, कौन से निकालने हैं, ये सीख जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक सही मायनों में हमारा जीवन संतुष्ट महसूस होता है। हमें एक लाइवली और एक क्रिएटिविटी हम लाइफ में अपने ले आते हैं। यही हमारे जीवन का सच्चा रहस्य है। मुझे सुनने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे डिसिप्लिन।